हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तन्मय के वीडियो लॉग्स में, जिसमें हम लोग फीचरिंग कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वरम, जो कि पुणे से थोड़ी दूर, लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पे है। और उससे पहले हम शायद पंचगनी में भी रुकेंगे। मौसम काफ़ी अच्छा है और आगे थोड़ा जानने के लिए हमारी आगे बैठी हुई महिला मित्र ज़्यादा प्रकाश डालेंगे इस बात पर। महिला मित्र को पूछ लिया है, इनके महिला मित्र मेरी बहन है। जैसा कि अब आपको दिख रहा है, अब फ्रेम में सारे आ रहे हैं और अभी तक मुझे इग्नोर किया जा रहा था, लेकिन मैं ही हूँ जो इन सबको लेके जा रही हूँ बहुत सारी एनर्जी के साथ। और अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये रास्ते कितने ज्यादा सुंदर है और ये प्लेस कितनी ज्यादा सुंदर है। यू शुड डेफिनेटली कम हियर। एनर्जी भरपूर है, चेहरे भी आप देखते रहेंगे। चलो अब इसके पहले के लोग टेस्टना शुरू करते हैं, मैं बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीलॉग कमिंग अप वेरी सून, स्टे ट्यून्ड। और ये हमारे अनुष्का कुछ कहना चाहती हैं। ये कहना ही चाहती, पिछले वाले वीडियो जब मैंने तो मुझे काट दिया था। ये चाहती थी इनकी शक्ल है। हाँ, क्योंकि इसका फोन में अच्छी शक्ल है। हाँ, और नेपाल भी खींचे थे। ये तो मैं परसों तक जितने बाल नहीं खींचे उतने मुझे लगा था। ये घर की अन्नदाता है, जब हम घर पे नहाते धोते और खाना खाते हैं। ये ऑफिस में काम करने जाती हैं। हाँ। और चाय बना के पिलाती है सुबह सुबह तुम लोग को। हाँ। चाय बना के पिलाती हैं। हम लोग शहीदों की मजारों पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशा होगा। इस शायरी का यहाँ कोई यूज नहीं है। ये है शोभित अवस्थी, ये वो आगे बोलेंगे। वो देखिए हमारे क्रांतिकारियों ने कितनी मेहनत करके माता दी थी और अब हम उसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे ऑसम व्यू के साथ। Up towards the view. और अवस्थी, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी सिंगल लाइफ के बारे में? कट रही है, कभी कट रहा है, बस काट रहा है कि काट रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम फाइनली पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर चुके हैं जो, और ये एरिया काफी सुंदर है, जैसा कि अभी आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पहाड़ या पहाड़। और इन लोगों ने कहा था कि कूल दिखेंगे, बट ओके। और अभी अभी ये लोग इस पहाड़ पे चढ़ने की सोच रहे थे। शायद आपको हाइट नहीं समझ आ रही होगी, बट आई कैन टेल यू इतनी भी हाइट नहीं है फिलहाल। बट हाँ, सो आई थिंक हम ऑलमोस्ट महाबलेश्वर में एंटर करने वाले, पंचगनी में एंटर करने वाले हैं। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? यस यस, सेव पांडास। ओके, लेट्स सी। शूट करने की कोशिश कर रहे थे पर आगे गाड़ी चल रही थी जो हट नहीं रही थी, उसमें से एक इंसान ने पान भी थूका खोल के गेट, तो काफ़ी बुरा लगा। और हम शायद काफ़ी पास आ चुके हैं मंदिर के, आई थिंक आ ही गए मंदिर। फिर से यहाँ पे टोल के लिए खड़े हैं लोग, अभी तक ऑलरेडी हम 140 प्लस 170 रुपये दे चुके हैं।
दिख रहा होगा कि ये पहाड़ी रास्ता हम फिर से दिखा रहे हैं, और आपको भी दिख रहा होगा कि सुबह 9:15 हो रहा है, उसके बावजूद ये मौसम कितना सुंदर है और हम काफी ऊपर आ गए आई थिंक, एंड वी आर मिसिंग 10 मिनट मे बी, इसीलिए हम वीलॉग बना रहे हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि अभी मौसम बहुत अच्छा हुआ है, हो गए एक्स्ट्रा एक्साइटेड। लेट्स सी, दिस इज पार्सी पॉइंट और ये व्यू काफी अच्छा है, ज्यादा हाइट नहीं दिख रही है मुझे यहाँ तक, पर व्यू अच्छा है। और यहाँ पे लोग एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पहाड़ कितनी देर में चढ़ा जा सकता है, और इसके अलावा भी काफी टूरिस्ट हैं। अभी नाश्ते वाश्ते की जगहें हैं यहाँ पे खुल रही हैं, धीरे धीरे करके पुल है जहाँ पे हम जाना चाहते थे, पर अभी भीड़ है थोड़ी सी, हम बाद में जाएंगे। सो ये है पंचगंगा मंदिर। सो मान्यता के हिसाब से यहाँ पे 5 नदियों का उद्गम स्थल है, कृष्णा, वेणा, कोयना, गायत्री और सावित्री। और इसके अलावा कहते हैं यहाँ बगल से कृष्णा नदी निकलती है, और उसमें 2 नदियाँ, भागीरथी और सरस्वती। भागीरथी हर 12 साल में और सरस्वती हर 60 साल में कृष्णा नदी में मिलती है। ये ऐसा दिखता है कि, और कहते हैं कि नदियाँ लुप्त हैं, पर ये 12 और 60 साल में ये चीज़ होती है, तो पता नहीं अभी हम कितने साल आगे हैं या पीछे हैं। काश कभी ऐसा दिन है कि हम इस दिन यहाँ देख पाए। एक्चुअली अंदर एक्चुअली एक मूर्ति है जिससे पानी निकलता है, वो नंदी जी की मूर्ति है, और हम लोगों ने उसका पानी पिया। हाँ, मैं काफी और यहाँ पे वीडियोग्राफी करना, पता नहीं मुझे थोड़ा आपने पंचगनी पहुँच चुके हैं, और अभी नेक्स्ट वीडियो में शुभ्रांश श्रीवास्तव आपको बताएंगे फुल रिसर्च के साथ कि पंचगनी का नाम पंचगनी क्यों पड़ा और पंचगनी कैसे एग्जिस्टेंस में आया। पंचगनी एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल जगह है, ये फर्स्ट पॉइंट है, पारसी पॉइंट है, और ये हमारे पास बहुत ही आकर्षक वे में बैठे हुए शुभ्रांश श्रीवास्तव है। आइए शुभ्रांश श्रीवास्तव। सो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, वीडियो देख लो। सो पंचगनी ब्रिटिशर्स ने खोजा था शायद, कहते हैं क्योंकि महाबलेश्वर मानसून के समय अनइनहैबिटेबल, ये सही बोला है। एनीवेज ये हमारा चलता रहता है क्योंकि ये दो बहुत ज्यादा ग्रामर जानने वाले, रह नहीं सकते बारिश के मौसम में, रह नहीं सकते, तो वहां से हम 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर रहते हैं। यहाँ है पंचगनी, और पंचगनी जैसा आप अगर संधि विच्छेद आपको आते तो समझ सकते हैं, पंचगनी 5 गांव के मेल से बना हुआ है ये, एंड इट वाज अ रिटायरमेंट पॉइंट एंड अ समर रिजॉर्ट अल्टरनेटिव टू महाबलेश्वर, दैट्स इट अबाउट इट। और अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, महाबलेश्वर का सबसे पुराना मंदिर, और हम चल रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं, एकदम लोकल मार्केट, और भीड़ भी है, ऐसी बात नहीं है कि भीड़ नहीं है। और शुभ्रांश श्रीवास्तव बहुत ज़्यादा फुटेज ले रहे हैं, ओए वापस आओ या तुम आगे जाओ सारा फुटेज यही ले रहे हैं। और ये कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बैग्स हैं, और जैसा कि आपने देखा सुना आई गेस कि शोभित अवस्थी ने अपनी हेल्थ फ्रीक वाली हर आदतें यहाँ भी छोड़ी, और ये बहुत ही हृष्ट पुष्ट कुत्ता, अभी हटो ना एक जगह, हमें महाबलेश्वर का जो हिस्ट्री है वो हमारे हिस्टोरियन शुभ्रांश और अनुष्का मिलके बताएंगे। वैसे इन्होंने ये चीज अभी पीछे भी है वहाँ पे बोर्ड से, हाँ, लेकिन पढ़ के समझ के बताना इज अ बिग डील, हाँ, इसलिए आप भी जहाँ भी हिस्टोरिक प्लेसेस पे जाइए जाके पढ़िए, पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों सब पढ़े सब पढ़े साक्षर भारत। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो कहा जाता है कि इस स्थान पे 2 दानव रहा करते थे, अतिबल और महाबल, और उन्होंने आसपास के लोगों से काफ़ी परेशान करते थे, तो
फिर वही जैसा कि सारी पौराणिक कहानियों में होता है, लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, हमारे तीनों तीनों जो क्या सृष्टि है कर्ता धर्ता विष्णु ब्रह्मा और महेश आए, लेकिन लड़े सिर्फ विष्णु, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा उसमें लिखा था। ऐसा नहीं था, ऐसा था कि तीनों भगवान, ब्रह्मा जी वैसे भी लड़ाई नहीं करते थे, और शायद यार गांधी जी ब्रह्मा जी के हो, आप इस बारे में जो सोचते हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनीवेज बात बस इतनी थी कि देवताओं ने और भगवान ने सबने कोशिश की हराने की, तो अतिबल को हरा लिया गया, पर महाबल को ये वरदान मिला हुआ था कि कोई उसे मार नहीं सकता, भगवान भी नहीं, हाँ, ना, जब तक कि उसका खुद का मन ना करे, वाह यार अच्छा है यार, गुड पॉइंट, ऐसी चीजें चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू मीट अ जिनी और समथिंग और भगवान आपके सपने में आए या आप नंदी जी के कान में कुछ बोल रहे हैं, तो आप ऐसा कुछ बोलिए कि आप तब तक ना मर सके जब तक कि आपको खुद की इच्छा ना हो। तो अब हुआ क्या कि अब इनको मारे कैसे, तो फिर सारे भगवान और हर कोई हार गया, फिर वो गए देवी जी के पास, आदि माया। अब आदि माया कौन है ये आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो काफी जैसे छोड़िए आप रिसर्च कर लीजिएगा, हमें भी करनी पड़ेगी लग रहा है, नहीं हमें काफी कुछ समझाना पड़ेगा पुराने जमाने में योग माया आदि माया जो समय हुआ करती थी इसकी। ओके हां, सो एनीवे सो आदि माया आई डोंट नो व्हेदर शी वाज द सुप्रीम पावर, हां दैट सुप्रीम फीमेल पावर, तो महिला शक्ति, थोड़ा और चलते 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 आपको स्ट्रक्चर भी दिखाते जाएंगे, है ना। तो अभी फिर उन्होंने शायद टेम्प्ट लिखा था ना, तो ही आई डोंट नो हाउ शी, वी डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, इफ यू नो प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शन। तो और महाबल ने कहा कि ठीक है मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, तो उसके बाद पर हाँ फिर भगवान भी मेरे साथ रहे, हाँ नहीं ये तब ये कहा जब उसने युद्ध करना बंद कर दिया बिकॉज ही वॉज टेम्प्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड, पर उसके बाद तो उसके बाद ये उसे आदि माया ने रिक्वेस्ट की कि आप एटलीस्ट भगवान के हाथों मृत्यु आपकी हो जाए, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भगवान के हाथों मर सकता हूँ लेकिन उसी शर्त पे जब सारे भगवान मेरे साथ इस जगह पे रहें मेरे मरने के बाद भी। तो इसी तरह इस मंदिर की स्थापना हुई थी, यहाँ पे कहते हैं कि सारे भगवान यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों यहाँ पे हैं मंदिर, लेकिन हमारी जगह एक मंदिर मिला है, मंदिर मिला है, हम कोशिश करेंगे और ढूंढने की, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो प्लीज आप ढूंढ लीजिएगा, हाँ, बाकी भगवान हर जगह हैं, हर जगह है, भगवान मन चंगा तो कठौती में गंगा भाई, एग्जैक्टली। मंदिर काफ़ी पुराना है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड इट एज नेशनल हेरिटेज, कृष्णाई मंदिर नाम है इस जगह का, और यहाँ पे व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अभी हम जब अंदर गए थे तो वहाँ पे भी लोग टॉर्च चला के दीवारों पे यही देख रहे थे कि क्या कैसे पता, हमारे ड्राइवर का फ़ोन था, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन हमारे ड्राइवर का फ़ोन था और ड्राइवर ने कहा है कि उसने गाड़ी थोड़ी अलग जगह पार्क करी तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये वो जगह है जिसके लिए अपेरेंटली बहुत फेमस है महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, मैंने लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ पेड़ों में लगी हुई स्ट्रॉबेरीज, और आप भी देख सकते हैं अगर नहीं देखा हो तो, और ये हमारी स्माइलिंग फेस ऑफ द डे। आज हम खाएंगे पहली बार और इसे ट्राई कर लिया, अब हम ट्राई करने जा रहे हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस, दिस इज एक्चुअली प्रीटी गुड, हां एक्चुअली नाइस थिंग, और खरीदेंगे, ये जस्ट हमारे सामने तोड़ गई है एकदम, मुंह में जाते घुल जाती है। मैं आपको सही बताता हूँ मेरे को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की कोई चीज पसंद नहीं है, पर ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, कोई बीज नहीं, कोई कुछ नहीं, लाइक नहीं कुछ नहीं है। तो मैंने एनी फ्लेवर चने लिए हैं, इतने सारे फ्लेवर के चने हैं, मेरे को वो बहुत क्यूट लग रहा है, अगर आप अंदर देखो डायनासोर, ये डायनासोर है, मुझे खुलता है।
अंजुलिका का ज्वेलरी बॉक्स। अभी हम लोगों ने 900 रुपए का तेल डाला है और अब हमें ड्राइवर साहब बताएंगे कि ऐसा क्यों है। हाँ बताइए भैया। मतलब क्या? हाँ बताइए। ऐसा ये है कि इन लोगों ने आपने पहले से सेट किए होते हैं 1000 का, 2000 का, 500 का। अच्छा। कभी भी डीजल डालना हो तो 400 NC, मतलब वो आंकड़े सेट किए उससे कम डालना। अच्छा ओके। अगर 990 का होगा तो उतना ही प्राइस का जितना होना चाहिए उतना मिलेगा, 1000 में थोड़ा कम देते हैं। तो हम बोले तो कम से कम 200 रुपये का इंडिया का मौसम। अच्छा तो ऐसा है सिस्टम। तो ये आपने आपको हैक बताया, ये आपने पहली बार सुना, आपको कैसे लगा? I'd like to take this opportunity to thank my parents and my friends सब इधर वस्ते जिसकी वजह से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली जो मैं शायद याद नहीं रख पाऊँगा। थैंक यू। एक बहुत ही हंटर पॉइंट के पास आए हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स हंट करते थे और अगर आप देखो तो ये बहुत ही आसम है, तो बहुत ही आसम लग रहा है। और यहाँ सीढ़ी है और पीछे 50 रुपए की मैगी भी मिल रही थी। ये और हम यहाँ कृष्णा देवी टेंपल के पास हैं, काफ़ी पुराना। अभी हम लोग एल्फिन स्टोन पॉइंट पे हैं क्योंकि जेम्स मरी ने डिस्कवर किया था अराउंड 1830। यहाँ से बोलते हैं कि आगे फोर्ट दिखता है। नाम प्रतापगढ़ है, पता नहीं क्या है वो पहाड़ है क्या। ओके। और साइड में भी बहुत प्यारा सा फोर्ट है। ड्राइवर ने बोले थे अच्छी जगह है। हाँ मेरे को एक्चुअली जगह दिखी। जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए लाइन बना के जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ब्लू ब्लेजर में भी जा रहे थे बच्चे, बहुत सारे लाइन बना के और लोग बच्चे घूर रहे, थोड़ा थोड़ा पलट के देख रहे हैं क्योंकि हम उनको शूट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दे हैव द हैबिट ऑफ बीइंग शॉट। हॉर्स राइडिंग पॉइंट पे देख सकते हैं काफी घोड़े हैं यहाँ पे। ये इस घोड़े का नाम जैसे कटप्पा है, ये काफी घोड़े हैं जो यहाँ चारा खा रहे हैं। एक और कटप्पा यहाँ पे, कटप्पा विद डबल टी है। ये टॉम एंड जेरी, ये भाई कन्फ्यूजन, ये हॉर्स राइडिंग करें कि ना करें। अगर आप चाहते हैं हॉर्स राइडिंग करें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, करेगा ये अगली बार। घोड़े अच्छे हैं क्योंकि ये वेल मेंटेन्ड है, लेकिन लोग इन्हें वेल मेंटेन्ड क्यों रखते हैं क्योंकि इनसे बिजनेस करते हैं। जबरदस्ती मेहनत करते हुए जिम की ताकत दिखाते हुए हमारी ड्राइवर अनुष्का श्रीवास्तव। रोवर चेंज और ऑडियंस, ये हमारे रोवर चेंज हो चुके हैं। ये शोभित अवस्थी जो हीरो बन रहे थे वो रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने शायद मुश्किल से 5 मिनट बोट रोकी होगी और ये हिम्मत हार गए इनकी। ये देखिए ये होता है जिम करने से ज्यादा, मत किया करिए इतना जिम। ओके एंड वन लास्ट टाइम, अब हमारे फाइनल रोवर एक एक करके सारे धराशायी होने के बाद अब ये आए हैं बिकॉज ये उनके पैर लंबे हैं और काफी विल पावर इनके पास। लेट्स सी कितनी देर तक चलाते हैं और साथ में साथ दे रही है छोटी सी बच्ची। हेलो दोस्तों, और अभी अभी हमारी बोटिंग का एडवेंचर खत्म हुआ जो कि बहुत सस्ता था। हम लोगों ने 500 रुपये में नियरली 40 मिनट चलाया। और ये हमारी अनुष्का, ये आइसक्रीम खा रही है। मैंने बहुत कम किया क्योंकि मैं आइसक्रीम बहुत खाती हूँ और मैं छोटी भी हूँ, पर इट्स ओके। तो मैं आइसक्रीम ही खा रहा हूँ।
और ये कुछ दिखते हुए इसमें गुलकंद और स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी हम लोग काफी स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं आज। हाय फ्रेंड्स, अभी हम लोग महाबलेश्वर के लास्ट स्टॉप पे हैं, जो है मेप्रो गार्डन। और वो इसलिए शोभित को इसलिए वहाँ जाने का बहुत सारा मन है क्योंकि वहाँ पे अपेरेंटली सैंपल फूड मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है। ओके, शोभित इज फ्लाइंग। एनीवेज, हम लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर से। जैसे आप देख रहे हैं वो नैनो जो है उसके आगे हमने फोटो खिंचवाई और हमने खाखा भी खरीदा है। बहुत सारे फ्री सैंपल ट्राई किए जो कि बहुत टेस्टी थे। हमें खाखा सबसे बेस्ट लगा। हम मेप्रो में आके जो आज स्ट्रॉबेरी फील्ड के लिए फेमस है, वहाँ से हम गुजराती खाखरा लेके जा रहे हैं महाराष्ट्र से, जो कि काफी। तो ये है थापा पॉइंट, यहाँ सबको पूरा दिख रहा है और आसपास लोग ही लोग हैं। लास्ट स्पॉट फॉर द डे, वी आर थिंकिंग दैट हम घुस रहे हैं, चिल करेंगे, खाना खाएंगे, सनसेट देखेंगे एंड देन वी हेड होम। हम लोग वेट करते हैं। शाम हो रही है, मेरी ट्रिप भी ख़त्म होने वाली है। कल रात में मैं मुंबई में हूँगा, परसों सुबह ऑफिस। ये बंदा बैंगलोर में होगा और ये पुणे में होगी। लेकिन आज आज हम लोग यहाँ हैं और आज हम लोग साथ में हैं। अरे हमें सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मैंने कहा कि आज हम लोग यहाँ हैं और आज हम लोग साथ में हैं। And that is the only thing that matters. Yeah. It feels good to sit here with friends and that's it. That's the best part of the trip. I hope आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद दोस्तों। आप व्यू देख सकते हो। एक स्ट्रॉबेरी तो बनती है।